कांगड़ा जिला के गंगत के बाद अब ज्वाली उपमंडल के तहत गांव अनुही में कोरोना पॉजिटिव का मामला उजागर होते ही प्रशासन ने उक्त गांव को सील करने के साथ ही हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित कर दिया है। गांव को आने वाले रास्तों को बैरिकेड लगाकर सील कर दिया है और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। अब ना तो कोई गांव से बाहर जा सकेगा और ना ही गांव में घुस सकेगा। कोरोना पॉजिटिव मामला आने के बाद प्रशासन की ओर से गांव को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। एक्चुअली हमें शाम को पता लगा कि ओंकार सिंह अनुई गांव का ओंकार सिंह जो कि काम करता था जैसा ऑडिटर, वो 10 तारीख को छुपते छुपाते जो है वो यहाँ पे अनुई गांव में पहुँच गया था। हमें इसके बारे में कोई उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ना ही प्रधान या सेक्रेटरी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जब जो ये 4 आदमी आए थे और अभी सब्जी की गाड़ी में निकल के आ गए थे, तो जो पालनपुर वाला जो लड़का था, ये सारे इकट्ठे काम करते थे, तो पालनपुर वाले लड़के को पकड़ के जब उसका उससे पूछा गया तो उसने बताया कि एक लड़का यहाँ का भी है। तो हमने परसों जो है वो गाड़ी 108 में इसको भेजा था टेस्ट के लिए, तो वो टेस्ट करवा करके वो पॉजिटिव आया था। जैसे हमें पता लगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है, तो हमने इमीडिएटली मैंने और DSP साहब, पुलिस जितने भी थे, तहसीलदार, ये सब आ करके इस गाँव को पूरा सील कर दिया। इसका एक मैपिंग की गई और जितने भी एग्जिट पॉइंट थे या इनपुट पॉइंट थे जहाँ से लोग आ सकते थे, जा सकते थे, वो सारे के सारे हमने सील कर दिए हैं। पुलिस पोस्ट लगा दी है यहाँ पे और पूरा इलाका जो है सैनिटाइज कर दिया है। और रात को ही जो कांगड़ा से एक जो कोरोना स्पेशल जो गाड़ी होती है 108 एम्बुलेंस, वो आई थी, वो इसको ले गई थी क्योंकि पॉजिटिव था, इसको टांडा मेडिकल कॉलेज में ले गए और इसके मम्मी डैडी और साथ में एक बुआ आई हुई थी, उनको जो है धमसा ले गए उनके टेस्ट के लिए। बाकी हमने पूरी हिस्ट्री जो है कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इसकी मालूम कर ली है, वो जो प्रशासन को बता दी गई है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो इसमें आगे क्या संज्ञान लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो है पूरा इलाका जो है सील कर दिया है। कोई भी घरों से बाहर नहीं है, पूरा कर्फ्यू लगा दिया गया है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। और जो भी इनको ज़रूरत होगी खाद्य पदार्थों की, जिसको वो उसको भी हम जो है मुहैया कराएंगे जैसी जरूरत पड़ती है। हाँ, इसके ऊपर पर्चा बनाया गया है कि इसने जानबूझ के इस तथ्य को छुपाया और लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है, इसलिए इस केस को जो है केस किया गया है। हाँ, पॉसिबिलिटी तो है कि क्योंकि जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट में इसके मम्मी डैडी हैं या जो बुआ थी या इसके सराउंडिंग में जो इसके भाई हैं, कजन हैं, इन सब के साथ वो रहा होगा, तो हमने ये पता कर लिया अभी ये कहीं बाजार में तो नहीं गया है। तो लेकिन जो भाई इसको जोंटा से लेके आया था, इसका कजन है, प्रहलाद उसका नाम है, वो तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में वो ही आया है। तो उसके जो परिवार वाले हैं, एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, तो आशा वर्कर हैं, वो इसके गांव में घर में भी गए होंगे। तो कुल मिला के हम ये सबको जो सेकंड स्टेज पे जो है उन सब का टेस्ट कराएंगे और देखेंगे कि कोई पॉजिटिव तो ना हो। SP कांगड़ा विमुक्त रंजन ने कहा कि प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र के 3 किलोमीटर एरिया को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है और अब ये एरिया पूरी तरह से सील रहेगा। SP ने कहा कि प्राथमिक तौर पर 4 लोगों में से 2 लोगों पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और बाकी दोनों को भी इसी मामले में एक्यूज्ड बनाया जाएगा। यदि जांच में ये सामने आया कि प्रधान अथवा सचिव के संज्ञान में उक्त मामला था, तो उनके विरुद्ध भी मामला दर्ज किया जाएगा। SP ने कहा कि जिला में अभी तक कर्फ्यू उल्लंघन के 135 से 140 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें अफवाह फैलाने, लॉकडाउन को तोड़ने और चोरी चोरी चुपके चुपके रास्तों से अपने घरों में आने पर लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तो जोंटा का एरिया ही है, ग्राम पंचायत रजोल जो है उधर उस इलाके में, उसी को अभी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है। गंगत उससे पहले से है, उसमें एक स्पेसिफिक सा एरिया है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर का जो एरिया है रेडियस का, उसको ही लॉकडाउन में रखा गया है। जी नहीं, वो नेगेटिव आया तो इसलिए उसको नहीं बनाया गया। जहाँ पॉजिटिव केस आता है या कोई ऐसा क्लस्टर आता है, तो उसी एरिया को जो है लॉकडाउन किया जाता है। प्राइमरीली हमने जो लोग हैं, जो 4 ये व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ, उनमें से 2 के खिलाफ केस दर्ज किया है और बाकी जो 2 हैं उनको भी इसी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एक्यूज्ड अरेन करेंगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये आएगा कि प्रधान की नॉलेज में था या उन्होंने नहीं बताया, और सारे तथ्य जैसे भी आएंगे, डेफिनेटली उनके खिलाफ भी चार्जशीट कोर्ट में जाएगी। इनके खिलाफ 188, 269, 270, 271 इंडियन पिनल कोड में जो है हम केस रजिस्टर कर रहे हैं। कर्फ्यू के उल्लंघन के लगभग 135 से 40 केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जा चुके हैं। इसमें रूमर मॉन्गरिंग के केसेस भी हैं, लॉकडाउन वायलेशन के केसेस भी हैं, और जो लोग चुपके चुपके चोरी चोरी जो हैं दाएं बाएं चोर रास्तों से या पैदल निकल करके जो अपने घरों में आ जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोग अब एक्सटेंसिवली केस रजिस्टर कर रहे हैं।